स्ट्रॉन्ग का तो हमने सारा कर लिया मेरे पास एचए अब वीक एसिड के लिए क्या चीज़ होती है कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता वो इक्विलिब्रियम में डिसोसिएट करता है तो एच ए इक्विलिब्रियम में टूटेगा देगा एच प्लस आयंस और ए नेगेटिव आयंस राइट ये कम्प्लीटली कभी भी डिसोसिएट नहीं करता एक वीक एसिड एच ए इज अ वीक एसिड लेट्स से और वीक एसिड कभी भी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता तो मैंने ऐसे नहीं लिखा एक सिंगल एरो डाल के लिखते इसका मतलब वो पूरा पूरा टूट गया तो जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वही एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है बट ये पूरा नहीं डिसोसिएट हुआ ये इक्विलिब्रियम में डिसोसिएट हुआ है लेट्स से अल्फा इज वीक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड है ठीक है तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को अगर डिफाइन किया जाए मोलारिटी के टर्म्स में तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखी जाती है मोल्स पर लीटर के फॉर्म में मतलब सी को मैं लिख सकती हूँ सी इज द कॉन्सेंट्रेशन आई कैन राइट सी मोल्स ऑफ वीक एसिड इज प्रेजेंट इन वन लीटर ये मतलब हुआ ना एक तरीके से ठीक है तो इनिशियली टाइम जीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा सी है एच और ए माइनस तो होंगे ही नहीं प्रेजेंट सिर्फ सी है और एच और ए माइनस अभी प्रेजेंट रहेंगे नहीं इनिशियली सिर्फ सी रहेगा राइट अब लेट्स से सी उसके मोल्स है और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो अगर वन मोल्स होते तो अल्फा टूटता पर सी मोल्स होंगे तो कितना टूटेगा सी अल्फा टूटेगा तो टाइम टी पे ये कितना टूटेगा सी माइनस सी अल्फा दिस इज सी अल्फा दिस इज सी अल्फा ये बात क्लियर होगी तो टेक्निकली देखा जाए एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो वीक एसिड की वजह से आ रही है वो आ रही है कितनी सी अल्फा मुझे इसी का पीएच निकालना बट ना ही मुझे सी पता है ना ही मुझे अल्फा पता है तो मैं क्या करती हूँ एक के लिखती हूँ के इक्विलिब्रियम विच इज ऑल्सो रिटन एज के और इसको मैं डिफाइन करती हूँ एज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट मैं कैसे लिखूंगी मैं लिखूंगी एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस आयंस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस सी अल्फा इंटू ए माइनस सी अल्फा और एच ए की कॉन्सेंट्रेशन सी माइनस सी अल्फा हो जाएगी बेटा तो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी इंटू वन माइनस अल्फा विच इज नथिंग बट सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा तो ये हो गया एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के तो यहाँ से ये पता चल रहा है मुझे के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा जनरली ऐसा दिखा जाता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वन से काफ़ी कम रहती है तो अगर ये कम है वन से तो दिस कैन बी इग्नोर्ड हेयर तो के कितना हो गया बेटा सी अल्फा स्क्वायर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो वो क्या हो गया के बाय सी का अंडर रूट अल्फा का वैल्यू आ गया मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो है सी अल्फा अल्फा की जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ सो दिस इज सी अंडर रूट के ए बाय सी अच्छा एक बात बताओ अगर अंडर रूट के अंदर सी को ले जाएंगे तो सी स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे तो सी स्क्वायर बाय सी के ए का अंडर रूट आ जाएगा जिसको लिख सकते हो अंडर रूट सी के बस ठीक है ये आ गया आपका एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पी एच ले लीजिए पी एच इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट सी के ए अंडर रूट मतलब रेस टू पावर हाफ होता है तो हाफ को बाहर निकाला जा सकता है माइनस ऑफ हाफ लॉग सी के ए अब हाफ लिखेंगे लॉग सी माइनस के साथ माइनस लॉग के ए लिखेंगे क्योंकि मैंने क्या किया एक तो लॉग ए इंटू बी को ए प्लस बी लिखते हो माइनस मैंने अंदर ले लिया तो माइनस लॉग सी माइनस लॉग के ए हो जाएगा ठीक है माइनस लॉग के ए को मैं लिखूंगी पी के ए तो पी एच बना हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अ पी एच ऑफ अ वीक एसिड हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी देखिए 80% क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले को याद करके हो जाएंगे जो 20% क्वेश्चंस आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते जो कि या तो के से रिलेटेड होंगे या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड होंगे या फिर ऐसा होगा कि उसमें अल्फा वन से कम नहीं होगा इन दोस क्वेश्चन फॉर दोस क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर कि हमने प्रोसीड कैसे किया था अदरवाइज 80% ऑफ द पी एच के क्वेश्चन वीक एसिड के इस फॉर्मूले से जो है सॉल्व हो जाएंगे तो पी एच ऑफ वीक एसिड क्या होता है हाफ ऑफ पी के माइनस लॉग सी अब इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी ले लेते हैं कि सबसे पहली चीज बेटा ये पीके क्या है पीके जैसे आपने लिखा पीएच तो पीएच को आप कैसे लिखते हो माइनस लॉग एच वैसे पीके पी मतलब बेसिकली मान लो माइनस लॉग तो पीके मतलब माइनस लॉग के तो पीके होता है माइनस लॉग ऑफ के नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज के सिग्निफाई क्या कर रहा है के एक
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एसिड के डिसोसिएशन के लिए, एसिड कितना टूट रहा है उसका वैल्यू बता रहा है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो बेसिकली ये जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये मुझे ये बताता है कि कितना H प्लस आयंस और A नेगेटिव आयंस जो है एसिड ने प्रोड्यूस करे हैं डिसोसिएशन करने के बाद। तो अगर मैं बोलूं किसी दो एसिड की के मतलब के वैल्यू किसी दोनों में से किसी एक की बहुत ज़्यादा है, तो जब के बढ़ता है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, इसका मतलब एच प्लस ए और ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और एच ए की कम होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो H प्लस ए माइनस बढ़ रहा है, एच ए कम हो रहा है, मतलब रिएक्शन कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो मोर ऑफ H प्लस जनरेट हो रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ जब K बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। मैम पर H A की कम क्यों होगी? बेटे इसको कैसे इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर को कम करके प्रोडक्ट को बढ़ा के तभी इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि H A तो डिनोमिनेटर में है ना। तो अगर ये चीज बढ़ रही है इसका मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसका एसिडिटी बढ़ रही है। तो K इंक्रीज एसिडिटी इंक्रीज, K डिक्रीज एसिडिटी डिक्रीज। तो अगर आपके पास एसिड्स हैं जिनके दो K दे रखे, लेट्स से मेरे पास एसिड्स हैं, एक एसिड A है, एक एसिड B है, एक एसिड C है, एक एसिड D है, इनका K वैल्यू तो जो दे रखा है, लेट्स से इसका दे रखा है 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-4, और तुझे इनमें से बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, ठीक, क्योंकि के ज्यादा है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा पीके को क्या होगा, देखिए जैसे हमने आपको बताया पीके माइनस ऑफ लॉग ऑफ के होता है, तो अगर तू उसका माइनस लॉग लेगा तो उसका पीके 1 आएगा, इसका पीके 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा। स्ट्रॉन्गर एसिड हमने डिस्कस करा कौन है, ए। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि अगर के बढ़ रहा है दैट मीन्स पीके कम हो रहा है, के सबसे ज्यादा किसका था, ए का, तो पीके इसका सबसे कम है ना क्योंकि आपने माइनस लॉग ले लिया। पीके ए क्या था, माइनस लॉग के, बेटा ऊपर देख लिया कर पहले, पूछने से पहले लिखा नहीं है यहाँ पे। तो के कम हो रहा है तो मतलब पीके बढ़ रहा है। तो के और पीके बेसिकली देखा जाए तो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। और अगर मुझे एसिडिटी बतानी है तो या तो मैं के रिस्पेक्ट में बता सकती हूँ या फिर मैं पीके के रिस्पेक्ट में बता सकती हूँ, ठीक। और 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपके इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, दिस इज द पीएच ऑफ वीक एसिड। लेकिन इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपने ये अज्यूम करा है कि अल्फा की वैल्यू 1 से कम है। वैसे मेडिकल एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं आता जिसमें आप ये अज्यूम ना करें, आप हर केस में ये अज्यूम करते हैं कि अल्फा लेस देन 1 है, आप सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। बट जेई के स्टूडेंट्स चीज का खास ध्यान रखें, इन केस अगर आपको अल्फा की वैल्यू ऐसी कोई दिख रही है जो कि कंपैरेबल है ए के साथ और आप 1 में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अल्फा बहुत छोटा नहीं है 1 से, तो आप इसे पूरा सॉल्व करके अल्फा निकालेंगे, यू विल नॉट बी इग्नोरिंग इट। एम आई, लेट्स से मुझे दे दिया गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का पी के का वैल्यू है 4.8 लेट्स से एंड द कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोलर, आई एम आस्क्ड टू कैलकुलेट पीएच, पीएच निकालें। तो मैं पीएच इस फॉर्मूले से निकाल दूंगी क्योंकि एसिटिक एसिड एक क्या है, एक तरीके का वीक एसिड, तो एसिटिक एसिड इज कंसीडर्ड एज अ वीक एसिड। सो पीएच क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेए, माइनस लॉग सी यूज करेंगे तो पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीके का वैल्यू कितना है 4.8 माइनस लॉग सी का वैल्यू कितना है 10^-1 लिख सकते हैं इसे, तो ये हो गया 10^-1 मतलब हाफ ऑफ 4.8 प्लस 1 5.8 का 2, यही हो गया पीएच का वैल्यू 2.9, ये आ गया मेरा पीएच। तो जब भी आपके पास वीक एसिड दिया रहे उसका पीके दिया रहे या फिर उसका हो सकता है के दिया रहेगा तो पीके में बदल लेंगे, माइनस लॉग लेके कॉन्सेंट्रेशन सी की दे रखी है, यूज द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट। अब दो चीजें समझते हैं कि इन केस, अब मैं नेक्स्ट केस लिख रही हूं, हमने मेरे ख्याल से केसेस जो पढ़े थे वो थे स्ट्रॉन्ग एसिड का केस पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग बेस का केस पढ़ा था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़ा था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस पढ़ा था एंड देन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा, तो 5 केस तो यही हो गए। छठा केस हो गया पीएच ऑफ वीक एसिड, अब हम 7वां केस पढ़ने वाले हैं पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड।
मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो आपको लेट्स से एक साथ HCl दिया गया है, एक आपको साथ में दे दिया गया है एसिटिक एसिड. तो HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. दोनों दे दिए गए हैं, इनके मिक्सचर में एच जो है पीएच जो है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान से सुनेंगे केस. लेट्स से HA जो है मैं इसे स्ट्रॉन्ग एसिड मान रही हूं, HB जो है मैं इसे वीक एसिड मान रही हूं. ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग तुम्हारा सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गोइंग टू मिस. तो स्ट्रॉन्ग एसिड है HA, बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, देगा H प्लस आयंस प्लस A माइनस आयंस, हाँ या ना. HB एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड जो है इक्विलिब्रियम में डिसोसिएट होता है, टूटेगा देगा H प्लस आयंस प्लस B माइनस आयंस, हाँ या ना. तो मेरे सोल्यूशन में ये दोनों साथ में प्रेजेंट रहेंगे, वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड भी. अब एक बात सोचो कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जबकि ये तो पूरा पूरा टूट चुका है. तो जब ये टूटा होगा तो इससे आपने पूरे H प्लस आयंस दे दिए होंगे. तो जब ये टूट रहा होगा तो इसे तो लगेगा कि H प्लस आयंस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले ही सिस्टम में. तो इस H प्लस को मतलब बेसिकली इसको ये फीलिंग आएगी कि इसका प्रोडक्ट है H प्लस. ऐसा तो नहीं है कि भाई ये कोई H प्लस अलग है और ये कोई H प्लस अलग है, H प्लस तो H प्लस ही होता है, वो तो सेम है. तो जब ये पहले से टूट रखा होगा और सोल्यूशन में H प्लस आयंस प्रेजेंट रहेंगे, तो जब इसको टूटना होगा इसे पता है कि मैं टूट कर भी H प्लस आयंस दूंगा, पर इससे तो लग रहा है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि H प्लस आयंस सोल्यूशन में प्रेजेंट है. तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस विच वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, द रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड्स, इसका टूटना कम हो जाएगा. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसे ऐसा पहले लगेगा कि प्रोडक्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. इसी इफेक्ट को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट. तो कॉमन आयन इफेक्ट को मैं डिफाइन कर सकती हूँ शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज अ कॉमन आयन इज ऑलरेडी प्रेजेंट. Because a common ion is already present on product side is known as a common ion effect. तो एक तरीके से बोल सकते हो ये रिएक्शन किसकी तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा. अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करते हैं. इस रिएक्शन को मैं वापस से लिख रही हूँ, एच ए पूरा टूटा, एच प्लस आयंस और ए माइनस आयन दिया. लेट्स से स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सी है, वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सी डैश है. तो ये जो सी है ये तो पूरा पूरा टूट गया ना, तो ये C बन गया, ये C बन गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. HB एक वीक एसिड है, ये इनकम्प्लीटली टूटा. C डैश माइनस X, ये बना X और ये बना X. तो टेक्निकली जैसे मैंने बोला कि ये रिएक्शन पीछे की तरफ चला गया, इसका मतलब X का वैल्यू जो है बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, इट हैज बीन डिक्रीज क्योंकि रिएक्शन पीछे की तरफ जा चुका है. तो अगर आप टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखोगे बेटा, वो तो C प्लस X होगी और x की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है, इसका मतलब x को इग्नोर किया जा सकता है और h प्लस को पूरा पूरा c लिया जा सकता है. दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर तेरे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है तो टेक्निकली h प्लस सिर्फ किसकी वजह से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ही आता है. वीक एसिड का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें नलीफाई किया जा सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से h प्लस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ये इसको टूटने नहीं देगा, इस इक्विलिब्रियम को आगे नहीं जाने देगा, ये इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ ही रहेगा. तो इस इक्विलिब्रियम से जो H प्लस निकलेगा वो काफ़ी मात्रा में कम होगा. तो H प्लस टोटल कितना होना चाहिए, C प्लस एक्स, यही होना चाहिए ना, C प्लस एक्स होना चाहिए H प्लस, बट X का वैल्यू काफ़ी कम रहेगा. तो H की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किसकी रहेगी, C की रहेगी, विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड. डिड यू गेट द पॉइंट? तो इसका मतलब अगर मैंने एक मिक्सचर दे रखा है तुम्हें 0.1 मोलर HCl जो मैंने लिया, साथ में मैंने लिया है 0.001 मोलर ऑफ एसिटिक एसिड, सॉल्यूशन में कंटेनर में ले लिया है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है. आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. आप लोगों को पीएच ऑफ द सॉल्यूशन जो है कैलकुलेट करना है. इस केस में अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो एक काम और कर सकते हैं. लेट्स से ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने बोल दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है एसिटिक एसिड का वो लेट्स से 10% है. एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, मतलब अल्फा का वैल्यू बेटा 10% के हिसाब से कितना हुआ, 0.1. अल्फा का वैल्यू 10% अगर टूट रहा है तो अगर आप HCl को देखते हैं
तो HCl तो बेटा कम्प्लीटली टूटेगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन देगा, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो 0.1 मोलर ही हो जाएगी जो HCl की है। बट अगर एसिडिक एसिड है तो वो वीक एसिड है, वो इक्विलिब्रियम में टूटेगा, वो देगा एसीटेट आयंस और H प्लस आयंस। तो यहां से जो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो क्या होगा, C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, एक तरीके से लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C का वैल्यू कितना बेटा, 10^-3 इंटू 0.1 विच इज 10^-4। ठीक, तो अगर मैं लिखूं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन टोटल, तो आप बोलेंगे ये तो सी अल्फा इसकी वजह से आया, 0.1 इसकी वजह से आया, तो वो है सी अल्फा प्लस 0.1। तो सी अल्फा विच इज 10^-4 प्लस 0.1 10^-1, तो -4 को इग्नोर किया जा सकता है ना -1 की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किसकी वजह से होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से होगी, और पीएच सिर्फ इसी की वजह से निकाला जाएगा, माइनस लॉग ऑफ। बात समझ आ रही है, कोई डाउट? तो जब भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड रहेगा, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। वीक एसिड जनरली करके आ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, वीक एसिड आप ये समझ लो कि वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 1 लीटर है इसमें से कुछ लीटर इसका होगा कुछ वॉल्यूम इसका होगा, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ किस में जा रहा है, वॉल्यूम में जा रहा है, इसका एज सच H प्लस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। बात समझ आ गई, क्योंकि आप ये देखेंगे ये आपने सी अल्फा निकाली, ये तो बेटा सी अल्फा तब होती है ना जब ये पूरा टूटता, ये तो रिएक्शन ही पीछे की तरफ चली जाएगी, तो इनफैक्ट ये तो -4 से भी और कम होगी, तो मैं तो -4 को इग्नोर कर रही हूँ, तो -4 से भी और कम होगी क्योंकि ये रिएक्शन तो पीछे की तरफ जा ही चुका है। तो अगर कुछ भी केस हो आप इग्नोर करेंगे ही करेंगे उसे, क्योंकि ये जो मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिख रही हूँ सी अल्फा, ये वो मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख रही हूँ जो प्रेजेंट होनी चाहिए अगर कॉमन आयन नहीं होता, बट कॉमन आयन होने की वजह से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा, तो इग्नोर होने ही होने। बात समझ आई, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, तो हमारा 7th केस हो गया, देन लेट्स कम ऑन टू द 8th केस, पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से केस से बिलोंग कर रहे हो, एंड देन यू हैव टू यूज इट अकॉर्डिंगली। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। पीएच ऑफ अ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, बेटा पॉलीप्रोटिक वीक एसिड क्या होता है, अभी तक आप जो वीक एसिड कर रहे हैं वो एक ही एच प्लस आयन दे रहा है, जैसे एसिटिक एसिड जो है वो 1 एच प्लस आयन देता है। लेट्स से आई हैव अ वीक एसिड जो 2 या 3 एच प्लस आयन दे सकता है। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक सिंपल केस पढ़ा रही हूँ, H2A, ये एक वीक एसिड है जो 2 H+ आयन दे सकता है, पर दोनों H+ प्लस आयन अगेन इक्विलिब्रियम में टूटेगा क्योंकि ये क्या है, एक वीक एसिड। तो अगर H2A की बात करी जाए तो H2A पहले टूटेगा एज H+ प्लस आयन प्लस एच ए माइनस आयन, ये एक बार डिसोसिएट हुआ, फिर दूसरी बार HA वापस से डिसोसिएट होगा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखते हैं, फिर HA दोबारा से डिसोसिएट होगा और देगा H+ प्लस आयन प्लस ए टू माइनस आयन। समझ है, तो जो मतलब एक से ज्यादा H+ प्लस आयन दे और एक से ज्यादा स्टेप में डिसोसिएट हो उसे बोला जाता है पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, जैसे कि हम अभी कंसीडर कर रहे हैं। नाउ इसका अगर मुझे pH निकालना है, एक तरीका होता है बेटा आप फॉर्मूला रट लो, और दूसरा तरीका होता है बेटा आप समझ लो, तो आई प्रेफर द सेकेंड वन, आप समझ लो क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स से इसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा सी दे रखा है इनिशियली, तो सी में से ये लेट्स से इक्विलिब्रियम में एक्स टूटा तो ये एक्स बना और ये एक्स बना, हाँ या ना, बात क्लियर हो गई? नाउ यही एक्स तो आगे गया होगा और वाई टूटा होगा और वाई बना होगा और वाई बना होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक, अब बस एक चीज जो इसमें लॉजिकली सही है उसको पकड़ना जरूरी है, वो ये है कि बेटा एच ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पहले x थी जब तक ये नहीं टूट रहा था, जब ये टूट गया अब HA माइनस की कॉन्सेंट्रेशन x माइनस y हो गई है, तो HA माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये HA अलग है और ये HA अलग है, दोनों HA सेम ही तो है, तो यही चीज तो आगे गई है टेक्निकली, तो यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन अब इसकी x माइनस y हो जाएगी। बस ये एक छोटा सा लॉजिक है जो तुम्हें पकड़ना है, इसको बोला जाता है केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, जब एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम साथ में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो जो भी आयन कॉमन होता है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन हर इक्विलिब्रियम में सेम रहती है। डिड यू गेट द पॉइंट? सिमिलरली यहां से जो H+ मिला और यहां से जो H+ मिला, दोनों H+ सेम ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि दोनों H+ डिफरेंट है,
तो यहाँ से जो H प्लस मिल रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी X प्लस Y लिखो, यहाँ जो H प्लस मिल रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी X प्लस Y लिखो, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए ये जो सोल्यूशन है, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो इस सोल्यूशन में H2A होगा, H प्लस आयंस होगा, HA माइनस होगा और A2 माइनस होगा, सिर्फ यही चार लोग होंगे। ऐसा नहीं कि इसका H अलग होगा, इसका H प्लस अलग होगा, अलग अलग थोड़ी होंगे, H प्लस H प्लस ही है। तो जब तू H प्लस देख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से H X मिल रहा है और यहाँ से H प्लस Y मिल रहा है, तो टेक्निकली H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हर जगह जहाँ जहाँ भी होगा तो X प्लस Y तो लिखेगा, एच ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हर जगह क्या लिखेगा, X माइनस Y, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एच ए माइनस थोड़ी है, एक ही तो एच ए माइनस है। बात समझ आई? तो जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो आप इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जो भी कॉमन स्पीशीज है उनकी कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। जैसे ये और ये, अब आप ये मत सोचना कि ये क्योंकि आगे गया था ना बेटा इसलिए माइनस होके एक्स माइनस वाई बना और ये यहाँ पे भी प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ इसलिए एक्स प्लस वाई हुआ। डिड यू गेट द पॉइंट? एनी डाउट? चलिए, अगर ये बात मुझे समझ आ गई है तो ये जब इक्विलिब्रियम में फर्स्ट बार टूटा तो लेट्स से इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट था के वन, जब सेकेंड बार टूटा तो इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था, के टू। अब आप लोग वो चीज़ रिवाइज करिए जो हम लोग उसमें करते थे पीरियोडिसिटी में, कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये बात तो क्लियर है। सिमिलर लाइन्स पे यहाँ पर भी यही चीज़ है कि अगर आपके पास कोई है तो उसमें से एक बार एक आयन निकालना आसान होता है, मतलब फर्स्ट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज इजी, सेकंड डिसोसिएशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट, थर्ड डिसोसिएशन इज आल्सो ऑलवेज डिफिकल्ट। तो क्योंकि फर्स्ट डिसोसिएशन इजी है और सेकंड डिसोसिएशन डिफिकल्ट है, तो मैं ऐसे मान सकती हूँ हमेशा कि के वन हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, के टू से। ये बात समझ आई? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना जैसे आसान है, वैसे किसी भी एक सिस्टम से एक H प्लस निकालना हमेशा आसान है, सेकेंड H प्लस निकालना डिफिकल्ट होगा। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जिस पे एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया है उस पे दो नेगेटिव चार्ज देना सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्या हो सकती है, रिपल्शन हो सकती है। तो आप उसी चीज़ से रिलेट करेंगे, के वन ज़्यादा होगा, के टू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो इसमें ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी, इट जस्ट ऑब्वियस फैक्ट, ये हर बार हर जगह ट्रू होगा। तो अगर मैं के वन लिखूंगी बेटा तो के वन कैसे लिखूंगी मैं, ध्यान रखेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय सी माइनस एक्स, ऐसे लिखूंगी के वन। के टू सेकेंड के लिए मैं कैसे लिखूंगी, x प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, हाँ या ना, ऐसे लिखूंगी। अब सिंस मैंने बोल दिया कि के वन बहुत ज्यादा होगा के टू से, इसका मतलब पहली बार डिसोसिएशन आराम से होगा, सेकेंड बार डिसोसिएशन डिफिकल्टी से होगा, मतलब x ज्यादा होगा y से, क्योंकि k1 मतलब x का निकलना, x का टूटना, और k1 ज्यादा मतलब ज्यादा टूटेगा, k2 क्या है y का टूटना, पर k1 k2 क्या छोटा है मतलब y कम होगा, तो x ज्यादा होगा y से। तो अब ये जो डिफिकल्ट सी इक्वेशन है अगर आप इसमें से ध्यान रखेंगे आपका, क्योंकि y छोटा है x से, तो आप y को हमेशा x के सामने क्या कर पाएंगे, इग्नोर कर पाएंगे। तो जहां जहां y x के साथ प्रेजेंट आप उसे क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो इतना बड़ा सा जो चीज़ है ना वो कितने छोटे में हैंडल हो जाएगी आपका, ये बन गया एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स और ये बन गया एक्स वाई बाय एक्स, मतलब खाली वाई, बोलो हाँ या ना। और हमेशा वीक एसिड है, वीक एसिड का जैसे मैंने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है वन से, तो एक्स को भी इग्नोर किया जा सकता सी के प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय सी, ये हो जाएगा वाई। तो के वन का वैल्यू हो गया बेटा एक्स स्क्वायर बाय सी और के टू का वैल्यू हो गया बेटा वाई। इसमें से क्वेश्चन में तुझे K1 given रहेगा, K2 given रहेगा और C given रहेगा। तो K1 given है, C given है, X निकाले, K2 given है, वो Y निकाले, X और Y दोनों आगे तेरे पास। तो H+ की concentration total क्या है बेटा, X plus Y, और अगर तुझे pH निकालना है तो तुझे माइनस log H+ ही तो करना होता है, तो तुझे करना क्या है बेसिकली, माइनस log ऑफ X plus Y, और X plus Y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। बात समझ आई? तो अगर आपके पास कोई भी वीक एसिड आता है तो आपको स्टेप वाइज प्रोसीड करना होता है। मैं आपको दोनों ही केसेस समझा दूंगी कि अगर दो H+ निकल रहे हैं मतलब डाइप्रोटिक एसिड है या फिर ट्राइप्रोटिक एसिड है। टेट्राप्रोटिक कोई एसिड होता नहीं है तो उतना कॉम्प्लिकेटेड केस आएगा नहीं। मैक्सिमम हाईएस्ट लिमिट ये है, बट मैं एक हाईएस्ट और पकड़ के चलूंगी ट्राइप्रोटिक की। तो अगर मैंने ट्राइप्रोटिक बता दिया तो तुम ये मान लो इससे ज्यादा ऊपर तुम जाओगे नहीं, तो या तो तुम इस तरीके से प्रोसीड कर लोगे या फिर ट्राइप्रोटिक की से प्रोसीड। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अब
प्राइप्रोटिक वीक एसिड, H3A ले लिया मैंने, ये मैक्सिमम केस है जो आपसे पूछा जा सकता है, ट्राइप्रोटिक वीक एसिड। तो ये तीन बार इक्विलिब्रियम में टूटेगा, H प्लस आयंस, H2A माइनस आयंस, फिर H2A माइनस आयंस दोबारा से टूटेगा और H प्लस आयंस और A2 माइनस आयंस देगा, सॉरी HA2 माइनस आयंस देगा, फिर HA2 माइनस आयंस दोबारा से टूटेगा और H प्लस और A3 माइनस आयंस देगा। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने बोल दिया K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने बोल दिया K2 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने बोल दिया K3 है, और क्योंकि ये वीक एसिड है तो ऑब्वियसली K1 बहुत बड़ा होगा K2 से और K2 बड़ा होगा किससे, K3 से। ठीक, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C ले ली, X यूज हुआ, X बना हाँ या ना, फिर X में से आगे Y गया, Y बना फिर ये Y में से आगे Z गया, ये Z बना। अब जो भी कॉमन आयंस है उनकी जो वैल्यूज है उसको सेम कर लो, ये दोनों कॉमन है तो इसको Y माइनस Z कर दो, ये दोनों कॉमन है इसे X माइनस Y कर दिया। ठीक, और H प्लस सारे क्या हो जाएंगे, X प्लस Y प्लस Z। हो गया। अब क्योंकि K1 ज़्यादा है इसका मतलब X बहुत ज़्यादा होगा Y से और Y ज़्यादा होगा Z से, इसका मतलब ध्यान से सुनेंगे, X के सामने Y और Z को इग्नोर किया जाएगा पर Y के सामने Z को इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि Y Z में इतना डिफरेंस नहीं है जितना X में है, तो X के सामने Y Z को इग्नोर करेंगे, Y के सामने Z को इग्नोर नहीं करेंगे। तो अगर मैं K1 लिखूंगी तो वो हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z इंटू X माइनस Y C माइनस X, K2 जो लिखूंगी वो हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z इंटू Y माइनस Z बाय X माइनस Y, और K3 जो लिखूंगी वो हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z इंटू Z डिवाइडेड बाय Y माइनस Z। तो जैसे मैंने बोला X के सामने Y और Z को इग्नोर कर दो, X के सामने Y को इग्नोर कर दो पर Y के सामने Z को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, तो K1 का वैल्यू रिड्यूस होके कितना हो गया, X स्क्वायर बाय C, K2 का वैल्यू रिड्यूस होके क्या हो गया, XY बाय X मतलब खाली सॉरी Y माइनस Z, और इसका वैल्यू रिड्यूस होके क्या हो गया, Z अपॉन Y माइनस Z इंटू X। गेट दिस, तो अगेन आपको K1 K2 K3 गिवन रहेगा, आपको C का वैल्यू गिवन रहेगा, यूजिंग ऑल द थ्री इक्वेशंस व्हाट यू कैन कैलकुलेट इज X Y एंड Z, and then what is the total H plus ions concentration, that is X plus Y plus Z, इसी का pH निकालना है तो pH हो गया minus of log of X plus Y plus Z, and the value can be calculated using this particular data. Is that clear till now? चलिए next case लगते हैं, mixtures of weak acid. तो बहुत सारे वीक एसिड साथ में आपके पास प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो मिक्सचर्स ऑफ वीक एसिड में क्या होगा बेटा, लेट्स से आपके पास एक एसिड है HA, ये भी वीक एसिड है, और दूसरा एसिड है HB, ये भी वीक एसिड है, दोनों ही वीक एसिड आपके पास प्रेजेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में बोल रही हूँ C है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में बोल रही हूँ क्या CA- है, ये वीक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, इस वीक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है बेटा, ये K1 K2 सेकंड एसिड डिसोसिएशन और फर्स्ट डिसोसिएशन नहीं है, ये दोनों का डिफरेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे K1 बड़ा नहीं होगा K2 से, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये दो डिफरेंट एसिड्स के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स है। तो अगर इन दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट रहेगा तो HA डिसोसिएट होगा एज H प्लस आयंस और A माइनस आयंस, हाँ या ना, तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये X टूटा, ये X बना, ये X बना, HB डिसोसिएट होगा एस H प्लस आयंस और B माइनस आयंस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C- है और लेट्स से Y टूटा तो ये Y बना और ये Y बना, कॉमन आयंस सिर्फ कौन है H, तो X प्लस Y दोनों साइड हो गया, ठीक, बाकी तो और कोई कॉमन है नहीं, तो इसका एसिड डिसोसिएशन कॉन्सेंट K1 हो जाएगा बेटा X प्लस Y इंटू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स, और इसका एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई अपॉन सी डैश माइनस वाई।
Now since both of them are weak acids, तो X को ignore किया जा सकता है C के सामने और Y को ignore किया जा सकता है C dash के सामने. तो इसे लिखा जा सकता है X plus Y into X by C. इसको लिखा जा सकता है X plus Y into X into Y by C dash. बात clear है? तो अगर आप ध्यान से सुनो बेटा, मैं C into K1 कर दूँ और इसको add कर दूँ C dash into K2 से, तो right hand side में क्या आएगा देखना. C into K1 है X plus Y into X, C dash into K2 है X plus Y into Y. इन दोनों को अगर मैं add करूँगी तो X plus Y common आएगा, फिर X plus Y का square नहीं आ जाएगा. तो technically X plus Y की value क्या आई? Under root of C into K1 plus C dash into K2. और इसी का तो pH निकालना पड़ेगा क्योंकि यही तो log उसकी concentration H plus की. तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस और एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? एक्स प्लस वाई. तो पी एच का फॉर्मूला क्या हुआ? माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ सी के प्लस सी डैश के टू. वैल्यू ऑफ सी और के वन और के टू वुड बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. ईदर यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला और यू कैन गो इट कॉन्सेप्ट वाइज. बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट वाइज है. तो ये फॉर्मूला कैसे आया है मैंने आप लोगों को क्या बहुत ईजिली समझा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया जानते हैं तो. बात क्लियर है? कोई डाउट? अगर आप खाली वीक बेस लेके चलते हैं, खाली लेट्स से पीएच ऑफ वीक बेस कहती हूँ मैं, वीक बेस की बात करती हूँ. तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि अब अगर मैं कोई वीक बेस ले लेट्स से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो जब टूटेगा तो वो अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस देगा ना. तो इंस्टेड ऑफ एच प्लस आयंस तुम्हें ओ एच नेगेटिव आयंस मिलेंगे और इंस्टेड ऑफ पी एच यू विल बी कैलकुलेटिंग पी ओ एच. और जब आपको आंसर निकालना होगा तो आप माइनस कर देंगे उसे 14 से, तो पी एच आ जाएगा. जैसे के एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता है वैसे के भी क्या होता है? बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट. तो इसका के भी लिखते हैं, बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता है अमोनियम का स्क्वायर टू हाइड्रोक्साइड आयंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो जैसे जैसे के भी बढ़ता जाता है वैसे वैसे बेसिसिटी भी क्या होती जाती है? बढ़ जाती है. और पी के भी वैसे वैसे क्या होता जाता है? कम होता जाता है. पी के भी वही होगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ के भी. एग्जैक्टली सेम है, बस के की जगह के भी कर दिया हमने, पी एच की जगह हम क्या कर देंगे? पी ओ एच. तो वीक एसिड के फॉर्मूला क्या था? पी एच का हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी. वीक बेस के लिए पी एच की जगह आ जाएगा बेटा पी ओ एच, हाफ ऑफ पी के ए की जगह आ जाएगा पी के बी माइनस लॉग सी. सारी चीजें सेम है. डिड यू गेट द पॉइंट? अगर मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस आ गए तो भी आपको यही करना है. आप जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं वो बेसिकली OH नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक. और उसके बाद आप वर्क करेंगे. तो जैसे मैंने लिख दिया pH ऑफ मिक्सचर्स ऑफ वीक बेस, जो जब आपने अभी जस्ट सॉल्व किया, तो आपने जो अभी सॉल्व किया वो क्या था? वीक एसिड. उसका फॉर्मूला आपने क्या निकाला? pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग X plus Y H plus की concentration थी, अब ये X plus Y OH negative की concentration हो जाएगी. तो आपका formula बन जाएगा POH, pH would be replaced by POH, log of C K A था ना, उसे KB कर दो, C KB 1 plus C dash KB 2 का under root. ये POH आ गया. आपको पीएच निकालना है तो आप क्या करेंगे? 14 माइनस पीएच. समझ रहे? तो आपने जो भी आपने वीक एसिड के लिए करा है, अगर आप उसे पीएच को पीएच से रिप्लेस कर दे, के को केबी से रिप्लेस कर दे, एग्जैक्टली सेम बेस के लिए हो जाएगा. और अगर पीएच निकालना होगा तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, 14 माइनस पीएच विल गिव यू पीएच. बात क्लियर है? कोई डाउट?